और चलिए अब बात करते हैं हिंदू कैलेंडर के दूसरे महीने की। इस महीने में आने वाली एकादशी आपको कौन कौन से लाभ दे सकती है, आइए पंडित जी से अब ये जानते हैं। पंडित जी, पहले महीने की बात तो हो गई हिंदू कैलेंडर के अनुसार, लेकिन जो दूसरा महीना है और उसमें एकादशी आती है, अब उसके महत्व के बारे में बताइए। देखिए, विक्रम संवत्सर जो है यही हमारा वर्ष है सनातन धर्मियों का। बैसाख मास हमारा दूसरा महीना है। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी कहते हैं। बरूथनी एकादशी सौभाग्य देने वाली, पाप ताप को नष्ट करने वाली और मोक्ष प्रदाता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने से दरिद्रता का नाश होता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। ये एकादशी इस लोक के साथ साथ परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करती है। 10,000 वर्षों तक तप करने का जो फल मिलता है वह बरूथनी एकादशी का व्रत रखने से मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ताकत के बल पर देवता असुरों को हरा नहीं सकते थे, इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। असुरों को अपने मोह माया के जाल में फांसकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया था, जिससे देवताओं ने अमरत्व प्राप्त किया। इस कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा गया है। इस एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति सांसारिक सुखों का भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से 1,000 स्वर्णालंकृत गायों का दान करने के बराबर फल होता है। केवल गाय दान नहीं, बल्कि गाय को सोने से अलंकृत करके सवत्सा गायों का दान करने से जो पूर्ण फल प्राप्त होता है वो इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।